सुप्रभात बच्चों, नमस्ते, कैसे हो आप? गुड, फाइन। आपको सुबह उठे बराबर अपने जो भी घर में बड़े हैं उनको क्या बोलना चाहिए? सुप्रभात, हिंदी में। ओके, ट्राई करो, फाइन। और उनको नमस्ते भी बोलो, जो भी आए आपके घर में, को भी विजिट कर रहा है तो उनको आप हाथ जोड़ के प्रणाम करो। फाइन किड्स, तो दिस इज ऑल्सो गुड हैबिट किड्स। सो हिंदी, चलो स्टार्ट करते हैं आज हिंदी। हिंदी की हमारी बच्चों, नाउ आई नो दैट यू हैव गॉट योर रिसीव योर हिंदी 3 बुक, फाइन। सो आपको स्टोर से मिल चुकी है। सो हियर मैम इज होल्डिंग हिंदी वर्कबुक 3, फाइन। सो आप हमें आ और उसके बाद में हमें ई, छोटी ई की मात्रा के बारे में पढ़ना है, राइट। और उसके बारे में ज़्यादा प्रैक्टिस दी है बच्चों, और ये बुक आपको हेल्प करेगी सेंटेंस रीडिंग, यू नो, सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हो आप। सेंटेंस मीन्स वाक्य रचना कर सकते हो, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं हम वाक्यों की रचना का आरंभ करेंगे यहाँ से। तो ये हमारी हिंदी की बुक है बच्चों, यू कैन सी दिस, फाइन। हिंदी माई स्किल बुक है हिंदी 3 की, फाइन। सो हियर आज मैम आपको छोटी ई की मात्रा यहाँ पे यू नो रिवाइज करवाएंगे, या फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उस पर, ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे बुक का। तो आप देख सकते हो ई की मात्रा आज का टॉपिक है हमारा, छोटी ई की मात्रा। और बच्चों छोटी ई की मात्रा आपको पता है ई का चिन्ह है, छोटी ई की मात्रा का चिन्ह आप देख सकते हो, यूजिंग यू नो कलर चॉक, ओके, फाइन। छोटी ई की मात्रा ऐसी होती है, मैम ने बताया आपको, ये इस तरफ से लगती है, और बड़ी की मात्रा स्टैंडिंग लाइन और इस तरफ से लगती है। यू कैन ट्रेस इट इन द एयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, ओके, एंड एस, फाइन। छोटी ई की मात्रा ये ई बन गया है, और वो मात्रा लगती है इस तरफ से, ओके, लेफ्ट साइड से लगेगी, और बड़ी की मात्रा लगेगी आपके राइट साइड से। गॉट इट, गुड। तो चलो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आज इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं या फिर पढ़ चुके हैं, इस बुक में भी शामिल किए हैं, ठीक है। सो दिन, द में छोटी की मात्रा दी प्लस या फिर जमा बोलो न, दी न, ओके। तो म सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, मात्रा दी है, जैसे कि छोटी की मात्रा हमने यहाँ पे बताई है, तो आप सीख देख सकते हो कि आपके बुक में भी वो दी है। तो छोटी ई की मात्रा जमा म जमा ल, मतलब बन गया छोटी की मात्रा अगर म में मिला दी जाए तो बन गया मी ल, मी ल। तो बच्चों इसको ट्रेस कीजिए, मिल को ट्रेस करना है आपको, म में छोटी की मात्रा मी और ल, ऐसे बोल के लिखना है आपको, गेटिंग। उसके बाद छोटी की मात्रा जमा स जमा र, छोटी की मात्रा स में मिला दी तो सी र, तो आपको यहाँ पे सिर को ट्रेस करना है, लेट्स ट्रेस इट सी र। तो आपको ये पूरे ट्रेस तो करना है, बट उसके पहले आपको उसको बोलना भी है, ठीक है। उसके बाद न, छोटी की मात्रा नी जमा न, नी जमा ब मीन्स प्लस, जमा मीन्स व्हाट, प्लस, नी ब, नी माने आपके पेन की, जैसे इंक पेन आपके मम्मी पापा यूज करते होंगे तो उनसे पूछ सकते हैं आप, नी ब माने यू नो पेन की नी, ओके, नी ब। पीता, अब पीता वर्ड है कैसे बना, देखो छोटी की मात्रा जमा मीन्स प्लस प पी जमा त जमा आ की मात्रा, आ की मात्रा सिर्फ स्टैंडिंग लाइन होती है, यू नो दैट वेरी वेल, फाइन। सो पी ये बन गया पी, यहाँ पे आपका प्लस साइन जब आप शब्द बना रहे हो तो बच्चों दिखना नहीं चाहिए, वो क्लोज आ जाते हैं, दोनों लेटर्स या फिर जो भी मात्रा है वो पास में आ जाते हैं, और ये वर्ड पूरा शब्द बन जाता है, फाइन। सो प में छोटी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, आप यहाँ पे देख सकते हो बुक में वो अलग अलग कर दिए गए हैं, ओके, ताकि आप उनको समझ पाओ अच्छे से। तो छोटी की मात्रा दी है ऑलरेडी, जमा प दिया है, प व्यंजन है, जमा त व्यंजन दिया है, फिर जमा आ का व्यंजन दिया है, इसका मतलब पी ता, गुड। नेक्स्ट क जमा छोटी की मात्रा जमा व, ओके, क सिंपल क व्यंजन बोल दिया, फिर उसके बाद छोटी की मात्रा अगर व में मिला दी जाए तो वो बन जाएगा वी, कवि मीन्स पोएट, कवि मीन्स जो गाने गाते हैं, जो सॉन्ग्स गाना गाते हैं उनको बोलते हैं कवि, फाइन। बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ई की मात्रा फिर से दी है, यहाँ पे पिन है, शनि है, लिख है, मिला, बिना, गिरा, ये वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे पेज नंबर 12। तो यहाँ पे आपको आज की डेट डालनी है बच्चों पीएच की, तो यू हैव टू डू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मैम इज टर्निंग द पेज, फाइन।
अब देखें यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है उसके बारे में। अब यहाँ पे 3 letter words बताए हैं, ठीक है, 3 letter words बताए हैं और प्लस 4 letter words भी है, जैसे कि पिकनिक है और साइकिल है। बच्चों आपको करना क्या है मैम बताएंगे आपको, आपको करना ये है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट डालनी है आज की, CW डेट आज की आपको डालनी है, ठीक है, आपने डाल दी, उसके नीचे आपको डेट लिखनी है, फाइन किड्स। और आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पे अभ्यास दिया है, क्या दिया है आपको, अभ्यास, ठीक है, अभ्यास करना है, पढ़ो और लिखो, सिंपल। अब आपने देख लिया क है, व में छोटी की मात्रा लगी है, राइट, तो क वी और त में लगी है आ की मात्रा, क वी ता, ये आपको पढ़ना है और नीचे आपको उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम होल्डिंग दिस पेज, नाउ यू कैन सी, पहले आप इसको ट्रेस करेंगे, क छोटी की मात्रा वी सॉरी ई, छोटी की मात्रा बन गई ई का साउंड व व्यंजन में मिल रहा है, मतलब वो वी बन गया, क वी और त में आ की मात्रा ता, देखा आपने, तो ये बन गया हमारा कविता वर्ड। वैसे ही आगे बनेगा चिड़िया किशमिश, और जैसे आप कविता को यू नो ट्रेस कर रहे हैं या फिर उस पर आप उसको दोहरा रहे हैं, तो उसके बाद आपको फर्स्ट रेड लाइन की तरफ नहीं जाना है, फर्स्ट आपको मिडिल 3 lines में लिखना है, ओके, गेट इट। सो 5 lines दिए हैं आपको, ऑलरेडी दिए हैं, तो यहाँ पे क लिख किए, फिर उसके बाद व लिखिए और वो को लगाइए छोटी की मात्रा, ये बन गया कवि, और त में लगेगी बच्चों आ की मात्रा, ये बन गया हमारा पूरा का पूरा शब्द, यू नो अच्छा लग रहा है ना कि हम शब्द बना रहे, कविता, ओके, बन गया हमारा कविता। आगे बनेगा चिड़िया, तो चिड़िया चलो लिखते हैं, च आपको लिखना पड़ेगा इसमें, च छोटी की मात्रा देनी है, ची फिर से ड और ड के लिए छोटी की मात्रा तैयार करो, डी और ये य में आएगी आ की मात्रा, ये बन गया हमारा चिड़िया, देख सकते हैं आप, तो इस प्रकार आपको चिड़िया इसके नीचे लिखना है। और उसके बाद बच्चों राइट इट नाइसली, ओके, मैम हैज डन सम मिस्टेक, कोई बात नहीं, इसको आप ठीक से लिखिए, नीचे की लाइन पे मत आइए, फाइन। सो यहाँ पे किशमिश आप देख सकते हो, किश मीश, फाइन, किशमिश, क छोटी की मात्रा की श, ओके, उसके बाद छोटी की मात्रा मी और ये बन गया हमारा श, क्या आप देख सकते हो मैम ने लिख दिया है, ऐसे ही आपको ऊपर का देख के आपको नीचे कॉपी करना है, वैसे ही आपको बच्चों कंटिन्यू करना है। तिलक, तिलक को चलो मैम ट्रेस करके देंगे आपको, त बनाना है, उसके बाद आपको छोटी की मात्रा ती, फिर ल व्यंजन और फिर क व्यंजन, गॉट इट, ये बन गया हमारा तिलक वर्ड, फाइन। उसके बाद छोटी की मात्रा, ओके, छोटी की मात्रा लगानी है न को, नी श में आ की मात्रा शा न निशान, गॉट इट। उसके बाद प, प में छोटी की मात्रा पी, क न में छोटी की मात्रा नी, क पिकनिक, गॉट इट। और यही वर्ड्स आपको नीचे लिखने हैं, जैसे कि तिलक आपको लिखना पड़ेगा ती ल क, फाइन, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा तिलक। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा निशान, न में छोटी की मात्रा नी शा न, गुड। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा पिकनिक, वेरी नाइस, ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप मैम ने आपको बता दिया है, नीचे आपको ये वर्ड्स लिखने हैं ट्रेस करके, बीटिया ब में छोटी की मात्रा बी, ट में छोटी की मात्रा टी, य में आ की मात्रा या, बीटिया, ये इसको ट्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है, प्लस बोलना है आपको, क में छोटी की मात्रा की र न किरण, यहाँ पे लिखिए सा ई की ल, ये हो गया 4 अक्षरों वाला, 4 अक्षरों वाला शब्द है ये, यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों आगे आपको यहाँ पे पीएच, ये है आपका होमवर्क, पीएच और आज की डेट आपको डालनी है इस पे, पेज नंबर 40, गॉट इट। सो चलो आगे का पेज देखेंगे हम, ई मात्रा से रिलेटेड, छोटी ई मात्रा से रिलेटेड आगे का पेज दिया है, तो ये रहेगा हमारा ई मात्रा का अभ्यास। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैम ने आपको बताया था कि हमें वाक्य बनाने हैं, ठीक है, वाक्य हम रीड करेंगे और बिल्कुल कोशिश होगी हमारी कि आगे बढ़ते जाएंगे, इसी साल हम हमारी वाक्य रचना भी
कर पाएंगे, लगभग कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से करते हो, ध्यान से पढ़ते हो, मात्राएं समझते हो, तो डेफिनेटली आपको वाक्य रचना भी करते आएगी, आप लिख भी पाओगे, ठीक है। आपका पूरा नाम आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। रवि, अब देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आपको डेट डालनी है आज की, CW, पुट डेट, फाइन। रवि डैश ला, देखो बच्चों सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, कैन यू सी, आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, हाँ, तो आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि किताब और ऑब्लिक साइन है और हिरन, ऑब्लिक मीन्स उसका आपको ऑप्शन दिया है, तो आप देख सकते हो रवि डैश ला, रवि किताब ला कि हिरन ला। देखो रवि हिरन भी ला सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जंगल में जाना पड़ेगा, बहुत हार्ड टास्क है, बट रवि नहीं ला सकता। तो रवि एक चीज कर सकता है, वो क्या ला सकता है, किताब, किताब माने बुक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किताब। ये इस शब्द को आपको टिक करना है उसके सर के ऊपर, और आप लिख सकते हो क, क में छोटी ई की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, और ब किताब। ये मात्राओं के साथ आपको बोलना है बच्चों, और डेफिनेटली आपको रीड करते आएगा, ठीक है। एंड नंबर टू, डैश का दिन था, डैश का दिन था, पहले दिया है क में छोटी की मात्रा की, स किसका, हुज, नो, किसका दिन, किसका दिन था, ऐसा वर्ड एक सेंटेंस तो बन सकता है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिन के बारे में, पर्टिकुलर दिन के बारे में पूछा गया है। तो ये दो ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, किस ऑब्लिक शनिवार, किसका दिन था या शनिवार का दिन था, तो हमें डेफिनेटली शनिवार का दिन था, वो जो दिन था वो कौन सा था, तो शनिवार का दिन था, वॉज अ सैटरडे, लाइक फाइन, तो शनिवार यहाँ पे लिख सकते हैं हम शनिवार। तो चलो लिखते हैं श, श, न में छोटी की मात्रा नी, व में आ की मात्रा वा, और र शनिवार का दिन था, ओके। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे देखिए, डैश पत्र लाया, यहाँ पे दो ऑप्शन ब्रैकेट में, डाकिया और मिलन, देखो मिलन है, डाकिया है, मिलन किसी आदमी का नाम है, लड़के का नाम है, ठीक है, मिलन पत्र लाया ये भी हो सकता है, और डाकिया तो पत्र लाता ही है, लेकिन बताइए मुझे मोस्टली कौन लाता है, ज़्यादातर हमें पत्र हमारे घर पे जो आता है, मामा ने भेजा, नानी ने भेजा, आंटी ने भेजा, तो वो कौन लाता है बच्चों, डाकिया मीन्स पोस्टमैन, फाइन। तो यहाँ पे डाकिया पत्र लाया ये आना चाहिए, ड में आ की मात्रा डा, क में छोटी की मात्रा की, और य में आ की मात्रा या, डाकिया पत्र लाया। नंबर फोर पे देखते हैं, न में छोटी की मात्रा नी, श में आ की मात्रा शाह, आप में से किसी का नाम निशा है, ओके, आप अपना नाम भी बना सकते हो मात्राओं की यूज से, जैसे कि किसी का नाम है की मया, क में छोटी की मात्रा की, म, य में आ की मात्रा या, की मया, ओके। और एक लता, ल, त में आ की मात्रा ता, लता। सानवी, स में आ की मात्रा सा, न, व में बड़ी की मात्रा वी, सानवी। ट्राई करो अपना नाम लिखना, ठीक है, दैट इज योर टास्क, आपको आज आपका नाम लिखना है, सिर्फ आपका खुद का नाम लिखना है, ठीक है। तो निशा ब्रैकेट में देखिए, डैश उठाया, ठीक है, सितार और सिला, सिला मीन्स बुनना, सिलना, ओके, सुनो, सितार उठा, निशा सितार को उठा रही है, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, फाइन किड्स। तो बिमल, बिमल सॉरी निशा सितार उठा, तो यहाँ पे सितार लिखेंगे आप, स में छोटी की मात्रा सी, त में आ की मात्रा ता, र सितार, निशा सितार उठा, गुड। तो सितार आएगा इसलिए इस पे हम इनको टिक करेंगे, उनके सर पे टिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हम ले नहीं रहे हैं, हमारे लिए सुटेबल नहीं है वो सेंटेंस में या फिर वाक्य बनाने में। चलो आगे देखते हैं, पांच नंबर, बिमल डैश गया, बिमल, ब में छोटी की मात्रा बी, म ल डैश ग, य में आ की मात्रा आ या, बिमल डैश गया, किरण गया कि फिसल गया, बिमल चल रहा था, बारिश हो रही थी, कीचड़ था और उसमें उसका पैर फिसल गया, तो बिमल किरण गया नहीं, बिमल फिसल गया, ये उसका अप्रोप्रिएट मीनिंग, मतलब वो मीनिंगफुल हो रहा है, वो वाक्य कुछ उसका महत्व हो रहा है, ये अगर आप शब्द डालते हो फिसल गया तो वो महत्वपूर्ण बन जाएगा, जैसे कि फ में छोटी की मात्रा फी, स, ल, ठीक है, सुटेबल वर्ड्स खोजना है, खोजने हैं आपको और उसको फिल अप करना है, फाइन किड्स। बिमल फिसल गया, चिड़िया मत पकड़, कवि मत पकड़,
हाँ, चिड़िया को बहुत लोग पकड़ते हैं, उनको हर्ट होता है, तो हमें चिड़िया को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? उनको हर्ट हो सकता है, उनको दुख सकता है, दर्द हो सकता है, इसलिए चिड़िया मत पकड़। वर्ड क्या है हमारा? चिड़िया मत पकड़। कवि मत पकड़ नहीं आएगा, ये उसके वो पूरे सेंटेंस को सूट नहीं कर रहा है। हमें यहाँ पे चिड़िया, ये शब्द यहाँ पे सूट कर रहा है, जो कि चिड़िया को पकड़ना गलत होता है ना। तो च में छोटी की मात्रा ची, राइट इट प्रॉपरली, ओके मैम इज ची। द में छोटी की मात्रा डी, और य में आ की मात्रा या, चिड़िया, ओके राइट इट प्रॉपरली, ओके आई हैव डन मिस्टेक बट यू डोंट डू इट, ठीक है? अच्छे से लिखिए चिड़िया, एक बिंदी देनी है ड के नीचे, चिड़िया मत पकड़। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ का वर्ड कर लिया। जैसे कि आप एक बार फिर से मैम के पीछे बोलिए, रवि किताब ला, शनिवार का दिन था, डाकिया पत्र लाया, निशा सितार उठा, बिमल फिसल गया, चिड़िया मत पकड़। गुड। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे भी सेम वर्ड्स दिए हैं छोटी मात्रा से संबंधित, फाइन। तो यहाँ पे आपको पीएच की डेट डालनी है बच्चों, और ये पूरे आपको पढ़ने हैं, वर्ड्स बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। चलो एक बार इसको देखते हैं। डैश भाग गया, सीआर भाग गया, पहिया भाग गया, खोजना है और लिखना है। छवि डैश खा, मील खा के किशमिश खा, यू हैव टू फाइंड। डैश हल लाया, किसान हल लाया कि किताब हल लाया, किसान के पास हल होता है खेत जोतने के लिए, तो सोचिए कौन ला सकता है। डैश आई, तकिया आई कि बारिश आई, बारिश आई, बारिश आई, छम छम छम, वेरी गुड। कविता डैश उठा, किसान उठा कि गिलास उठा, हम किसान को तो नहीं उठा सकते, गिलास को उठा सकते, तो लिखिए, ठीक है। अमित डैश पकड़, टिकट पकड़ की किरण पकड़, किरण मीन्स सन रेस। चलो सोचिए और इसको कंप्लीट कीजिए। मैम इज गोइंग टू गिव स्माइली, स्माइली फेस यू वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट यू हैव टू डू इट प्रॉपरली, और नहीं अच्छा बनाया तो मैम सैडी फेस देंगे डेफिनेटली। तो बच्चों आप ये सारे वर्ड्स, ये वाक्य को अपने नोटबुक में भी लिखना है आपको, आपकी जो नोटबुक है फाइव लाइंस की, उसमें ये सारे सेंटेंसेस आपको उसमें ऐड करने हैं या फिर लिखना है विद द डे, फाइन। सो ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और राइम्स भी बोलिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।